पशु आहार के व्यापारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इस संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर में पशु आहार के डीलर्स, विक्रेता, सीडीओ और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ बैठक हुई और अगले 10 दिन के लिए निर्धारित कर दिया गया है, जिससे कि रेट में कोई बढ़ोतरी ना हो। पशु आहार का मूल 3 मई तक निर्धारित कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 2300 पशु आहार, 2000 चोकर, 2500। अब इसी रिफरेंस में चूंकि अब गेहूं की फसल भी आ चुकी है, लोकल ही भूसा सारा उपलब्ध है क्षेत्र में। लोगों का उद्देश्य यही है कि जो हमारे पशुपालक हैं इस कोरोना की इस महामारी की स्थिति में, इस परेशानी में, उन लोगों को उचित दर पर भूसा, दाना, चोकर वगैरह अपने पशुओं के लिए मिलता रहे, कोई परेशानी ना हो। इस स्थिति में आज उन्हें एक सप्ताह बाद 23 तारीख को ये जो है रेट निर्धारण करने के लिए बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि 23 तारीख से ये रेट्स जो आज आप लोगों के साथ डिस्कस होंगे ये 23 तारीख से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो मैंने सर उसे का पता नहीं किया जाए, उसे मैं आप लोग बताएं उसे का क्या रेट अमूमन इस समय जो है बाजार में। बारिश तो टेम्परेरी हुई है, पता भी नहीं हुई बारिश, ये बारिश अब बहुत ज्यादा नहीं है, इसका जो बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, इधर पानी सूख भी जाएगा, उसके नीचे नहीं आएगा। वो अभी भी गाँव में चल रही है, मशीन भी चल रही है जो ऊपर है उनके भूसा बनाने वाले, क्योंकि ये बहुत थोड़ी बारिश हुई है, सूख गई है एक दिन में, धूप लगी है तो एक दिन में जो होम डिलीवरी कर रहे हैं उस पर कुछ लोग बढ़ा के बात कर रहे हैं कि खेल में होम डिलीवरी कर रहे हैं ना, घर पहुँचा रहे हैं नहीं, फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस समय देखिए आप जानते हैं परेशानी का तो समय है ही है, इसी रूप से सभी के लिए परेशानी है। तो इस समय यही निर्धारण हो गया भाई, जो बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं आपको नुकसान से है, तो बताएं आप लोग सहमति से भूसा वाले कौन कौन हैं। ये श्रीराम मौर्य जी, हाँ बताइए क्या रेट होना चाहिए। सर नमस्कार, श्रीराम मौर्य जी बताइए। देखिए मैं आपको 100 के 500 इस तरह गाय रखी हुई है, तो हम लोग वहाँ पे जो भूसा कलेक्ट कर रहे हैं वो 500 रुपये कुंटल में एवरेज उनको मिल जा रहा है, हालांकि उनको लोकल ही मिल रहा है वहाँ पे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, जो वो रिपर से फैसल से बना रहे हैं ना पीछे पीछे, वो ट्रैक्टर चलता है बनाता चलता है भूसे को, वो लगभग 500 रुपये कुंटल में पड़ रहा है। तो बढ़ाया ना सर, बताना तो कितनी अभी, क्योंकि फिर उसमें अगर ये रेट हम निर्धारित करेंगे तो हमें बहुत सारे स्थलों पर फिर भूसा इकट्ठा करने में वहाँ पर करवा रहे इकट्ठा आगे आगामी 6 माह के लिए, तो उसमें दिक्कत आएगी, वो लोग कहेंगे सर साहब आपने वहाँ 700 किया है, हम लोग का फुटकर रेट है ना 700 से 500 दे देंगे उतर रहे हैं नॉर्मल समय से कम है सर। इसका बताइए कि 9 लाख का जी सप्लाई का कारण क्या है। आपदा है और इस समय जानवरों के लिए जो निराश्रित हैं उनके लिए भी मदद की आवश्यकता है। आज जो पशु आहार के विक्रेता हैं, जो डीलर्स हैं, उनके साथ सीबीओ साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ हम लोगों ने बैठक की है और हर हफ्ते पशु आहार का रेट निर्धारित कर दिया जाता है और अगले 10 दिन के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, ताकि उसके दौरान किसी भी प्रकार की रेट में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा उनसे चैरिटी के लिए भी अनुरोध किया गया है और वो लोग कर भी रहे हैं, भूसा भी दे रहे हैं, चोकर भी दे रहे हैं, ब्रेड भी दे रहे हैं, बिस्किट्स भी दे रहे हैं, डॉग फीड भी दे रहे हैं, कैट फीड भी दे रहे हैं, तो हम लोग इसको कलेक्ट कर रहे हैं और सीबीओ साहब की गाड़ियों के माध्यम से इसे बंटवा भी रहे हैं।